हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हेलक से। तो हेलक एक स्टोरी डालता है, शांति भंग, इट फील्स सो एम्प्टी विथआउट मी। तो अब बात कर लेते हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो रिसेंटली न्यूक्लिया का एक शो था जिसमें उन्होंने एमसी स्टैन का जो 80,000 वाला मीम है उसका एक रिमिक्स प्ले करा था उस शो के दौरान। तो इस चीज के ऊपर हिंदी रिकॉर्ड्स जो है वो कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं, मैड रिस्पेक्ट टू द मैन न्यूक्लिया, वाना सी अ कोलैब। तो अब बात कर लेते बेला के बारे में। तो आज दिन में बेला की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली थी, गाना चाहिए। तो अभी कुछ ही देर में बेला का गाना ड्रॉप होने वाला है। तो अगर ये वीडियो अपलोड होने तक गाना आ गया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते यशराज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को यशराज का एक ट्वीट दिखाया था जिसमें वो गानों के प्रमोशन के बारे में बात करते हैं और गानों पे एड्स चलाना कोई गलत चीज नहीं होती है, वो ये चीज बताता है। तो अभी एक और स्टोरी देखने को मिली उनकी तरफ से, दिस एंड फॉर एनी स्पेसिफिक आर्टिस्ट, दिस इज फॉर द ऑडियंस दैट हैज अ डिसकनेक्ट फ्रॉम द सॉन्ग जस्ट बिकॉज दे सॉ और हर्ड इट थ्रू एन एड, हेट अगेंस्ट फेक व्यूज एंड बॉट्स, आई गेट इट, बट एड्स टू क्लिक ऑन देम इज स्टिल योर डिसीजन, लेट आर्टिस्ट इन्वेस्ट इन themselves विदाउट बर्डनिंग देम विद द गिल्ट ऑफ फीलिंग inauthentic और inorganic। तो अब बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे जो है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से और वहाँ पे वो बात करते हैं अपने यूट्यूब और स्पॉटिफाई के बारे में। तो उनका क्या कहना है यहाँ पे आप लोग खुद ही सुन सकते हो। क्योंकि मानसून ही भी था, मानसून भी ख़त्म हो गया और बहुत मज़ा आया मानसून ही भी देखी हुई, और स्पॉटिफाई में जिस हिसाब से स्ट्रीम्स देख रहा हूँ मैं बहुत खुश हो गया इस चीज़ के लिए, क्योंकि अपन स्पॉटिफाई पे लेट आए फिर भी तुम लोगों का प्यार अभी भी बरकरार। और अभी मैं देख रहा हूँ कि लाइक है ना, ज़्यादातर पब्लिक यूट्यूब से ज़्यादा आई थिंक ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो मैं नंबर्स कन्वर्ट होते देख रहा हूँ। तो पब्लिक को लग रहा था पहले कि है ना, पहले यूट्यूब बहुत ज़्यादा फोकस पे था, अभी भी है, लेकिन मेरे को लगता है ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा पब्लिक अभी गाना सुनने लगी है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ऑर्गेनिक व्यूज़ जो पहले जैसे नंबर जाने के वैसे वाइब यू नो आप लोग को ज़्यादा यूट्यूब पे दिखता नहीं है, लेकिन सही है दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है, तो काफ़ी सही खबर है ये एक हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए जो भी वहाँ पे है। फिर से शुक्रिया सभी लोग को 8 साल एल्बम पे 5 मिलियन प्लस व्यूज़ स्ट्रीम्स के लिए और मानसून ईपी पे 1 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स के लिए। वी गोइंग बैक दिस ईयर, ये साल मचा डालेंगे क्या, सीधा चीज देंगे। तो अब बात कर लेते बंटा रिकॉर्ड्स के बारे में। तो बंटा रिकॉर्ड्स से शेज़ का गाना आउट हो चुका है जिसका नाम है खलीफा, साथ ही चीरफाड़ की जो ईपी है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आ चुका है। तो पार्ट 1 है विल चीरफाड़ वेकअप और पार्ट 2 है आई वॉज आई एम आई विल। तो दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो और भाई को सपोर्ट करो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।